नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। अब देखो लैंग्वेज आपको अटपटी लग रही होगी, मैं एकदम आसानी से आपको बता दूं। देखो एकदम ईजी तरीके से आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए प्लेन है, प्लेन का मतलब ग्राउंड है, ठीक ये ग्राउंड है। अब देखो एक टावर बड़ी होगी एक छोटी होगी पक्का। पता है कैसे मैंने पता किया? क्योंकि एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक, और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक। तो मान लो एक टावर यहां पर है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, एक टावर यहां पर है इस तरीके से, और एक टावर यहां पर है, एक छोटी एक बड़ी पक्का होगी। कैसे पता चला सर आपको? मुझे ऐसे पता चला क्योंकि ध्यान से सुनो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, नहीं चलो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं जो बताया, मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि देखो बात समझो। देखो मान लो मेरे सामने एक टावर है, समझो ना, समझो देखो अभी आपको फील आएगा। देखो मान लो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक, अब ये एक टावर, ठीक। अब मान लो मुझे टी पॉइंट को देखना है, फिर मुझे एम पॉइंट को देखना है, ठीक है। तो टी पॉइंट को देखने के लिए मैं इधर खड़ा हूँ, तो मैं अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऐसे उठाऊंगा, ये थोड़ा सा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, मतलब छोटा सा छोटा सा छोटा सा, लेट अस से 30 डिग्री। और अगर कोई बोले नहीं नहीं एम पॉइंट को देखो, यहीं से खड़े होकर एम पॉइंट को देखो, तो मैं क्या करूंगा, एंगल ऑफ रोटेशन ये ऐसे, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली, ऐसे करके फील करो, ये फील करने का तरीका है। तो एंगल बड़ा बनेगा 60 या 70 डिग्री जो भी बन रहा हो, ये चीज है। यानी कि बताना मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सेम डिस्टेंस से ऊंची जगह पे देखोगे, ज्यादा ऊंची जगह पे देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनता है, और अगर आप नीचे देखोगे मतलब ज्यादा ऊंचाई पे नहीं देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनता है। सेम पॉइंट से देखने पर ज्यादा ऊपर ज्यादा टॉप पे देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ज्यादा ऊंचाई पे देखना है ये ज्यादा, थोड़ी ऊंचाई तक देखना है कम, ऐसे सोचो, ठीक। अब सुनो यहां पर जो क्वेश्चन ऑप्शन इन्होंने दिया वो तो अभी हम पढ़ लेंगे, पहले हम आपको बताते हैं कि मान लो यहां से खड़े होकर अगर हम देख रहे हैं, ठीक, तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये देखिए ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा। तो यहां पे दो तरीके के एंगल दे रखे हैं क्वेश्चन में, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, यानी कि ये बनना चाहिए 60 डिग्री क्योंकि ये ज्यादा ऊंचा है ना, और यहां से खड़े होके जब यहां पे देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनेगा, कम बनेगा 30 डिग्री। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता? भाई सीधी सी बात है ना, देखो आप यहां से खड़े होके इसके टॉप को देखो या यहां से खड़े होकर देखो इसके टॉप को देखो, बात तो वही पड़ेगी, ये डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस तो फिक्स है, ठीक है। यहां से देखोगे ज्यादा ऊंचाई पे देखना ये 60 डिग्री, ठीक, यहां से देखोगे छोटी स्टार टुक 30 डिग्री, ओके। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा डायग्राम का अंदाजा लगाना है। अब जब इतना अंदाजा आप लगा लोगे, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब आपकी बात बन जाएगी, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। फिर से पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर, यानी कि एक टॉप ऑफ द टावर को देखते हो जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, तो ये वाली टावर की हाइट 30 मीटर। आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला इसकी 30 मीटर क्यों नहीं है हाइट? इसलिए नहीं है क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ो ना पूरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, अनदर टावर के फुट से इसको देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री की बात उसने पहले करी है, पढ़ लो आप क्वेश्चन, सही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर, ये अनदर टावर यहां पर है, ये फर्स्ट वाली टावर है, ये अनदर टावर है, इसके फुट से, ये अनदर टावर का फुट है, इसके फुट से फर्स्ट वाली के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री। तो इसी टावर की तो हाइट दे रहा है वो आपको 30 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि 30 मीटर की हाइट की टावर को आप देखते हो कहां से, फुट ऑफ द अनदर टावर से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है 60 डिग्री, ये है क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, ये हो गई आपकी सेकंड टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, ये हो गई आपकी फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर के फुट से जब सेकंड वाले के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री, ठीक। देखा कैसे हमने चालाकी करी, पहले तो अपने मन से ही डायग्राम बना लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ पढ़ के मैच करा रहे हैं कि कहां पे क्या फिट बैठना चाहिए, कि 30 इसको लेना चाहिए कि उसको लेना चाहिए, ऐसा करके, ठीक। चलिए अब कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द अदर टावर, ठीक। तो दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस है एक्स, और हाइट ऑफ द अदर टावर यानी कि अदर टावर की हाइट निकालनी है, ये एच, ठीक। तो ये आपको फाइंड करना है, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल का नामकरण करिए, ओके। सो मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट आपका डी है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी को,
ठीक है, इसमें बस बच्चों डायग्राम था, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं बच्चा आप क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में लगा दीजिए, ये देखिए ये ए बी सी में क्या 60, कौन सा 60, टेन 60, ओके टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी, ओके तो क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी, टेन 60 होता कितना है रूट थ्री, तो टेन 60 की वैल्यू रख दी रूट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, देखिए टेन 60 रूट थ्री होता है, ए बी कितना है चेक करो, ए से लेके बी तक कितना है, ए बी कितना है 30 है, तो ए बी कितना रख दिया हमने 30 मीटर बाय, बी सी कितना है, बी सी को आपने एक्स माना है, एक्स रख दो, ठीक एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स इधर आ जाएगा और रूट थ्री इधर एक्स की जगह चला जाएगा, तो 30 अपॉन रूट थ्री, ठीक है क्या यही आपका आंसर है, नो सर, डिनोमिनेटर में क्या है रूट थ्री, रूट थ्री इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर को हमेशा रेशलाइज कर लेंगे, यस सर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 30 बाय रूट थ्री, कभी भी डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर दिखाई पड़े तो उसको रेशलाइज कर लिया करिए, ओके तो रेशलाइज करने के लिए क्या करोगे, रूट थ्री से न्यूमरेटर में और रूट थ्री से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 30 इंटू रूट थ्री, 30 रूट थ्री, ओके डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री थ्री वन जा थ्री और थ्री टेन जा क्या होता है 30, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3, तो ये लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर, ओके ये एक्स की वैल्यू आ गई, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 10√3 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज, ठीक यहीं पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ आप समझ जाना, डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर कितना आ गया, ये डिस्टेंस बिटवीन टू टावर कितना आ गया बच्चों 10√3 मीटर, अगर डेसिमल में मांगेगा तो रूट थ्री की वैल्यू रख देंगे 1.732 सॉल्व कर लेंगे, ठीक अभी उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, इतना कर लीजिए पहले कर लीजिए बच्चों, और यहाँ पे डायग्राम में आप लिख भी लो कि भाई हमारा जो एक्स का वैल्यू है वो कितना आ चुका है 10√3 मीटर आ चुका है ये, ठीक अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए ट्राइंगल बी सी डी लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी, सो इन ट्राइंगल बी सी डी, ध्यान दे बच्चे ट्राइंगल बी सी डी में ये 90 डिग्री पूरा, ठीक और ये 30 है, तो 10√30 लगा दो, 10√30 क्या होता है 10√30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके तो ये 30 है, परपेंडिकुलर क्या है डी सी, डी सी क्या है परपेंडिकुलर, तो डी सी बाय बेस, बेस कितना है ये है एक्स, ठीक तो 10√30 कितना है 1√3 इज इक्वल्स टू, डी सी को एच माना है आपने, डी सी की जगह एच लिखा और एक्स की वैल्यू आ गई थी कितनी, एक्स की वैल्यू थी 10√3, ओके बस अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, ये 10√3 लिखा है भाई 10√3, ओके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि एच इंटू रूट थ्री इज इक्वल्स टू 1 × 10√3, ओके नेक्स्ट स्टेप में एच रूट थ्री इज इक्वल्स टू 1 × 10, 10 होता है तो 10√3, ये रूट थ्री मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10√3 बाय रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, एच इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 मीटर्स आ गया, ओके तो जो अदर बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर्स है, ओके तो इसने पूछा द हाइट ऑफ द अदर टावर, तो हाइट ऑफ द अदर टावर इज 10 मीटर, तो पूरा आंसर लिखोगे द डिस्टेंस अलग अलग लिख देना, द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 10√3 मीटर्स एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर इज 10 मीटर, ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए।